Now, major fire has in fact broken out in the market of Kirti Nagar area of Delhi. And in fact, many shops of this furniture market has caught fire in flames, and more than 10 fire tenders have been rushed to the spot to douse the fire. No casualties have been reported so far. And this particular fire in fact broke out after the working hours. And the fire brigade was finally able to douse the flames at around 6:20 a.m. in the morning. Now let's go across to my colleague Mukesh Singh, who is joining us on the phone line. Mukesh, if you can tell us, what is the status of the fire right now? Has there been any casualties? We are reporting that there are no casualties at this point. This is a big furniture market in Delhi. देखिए, अभी जो आग है उसको बुझा दिया गया है. उसका कूलिंग जो प्रोसेस होता है वो जारी है. करीब रात में करीब 12 बजे आग लगी थी, जिसमें एक बिल्डिंग है जिसमें 4 मंजिला बिल्डिंग है. इस बिल्डिंग में पूरा जो है फर्नीचर के गोडाउन थे. चारों जो फ्लोर हैं वो जलकर राख हो गई थी. उसके बाद इस बिल्डिंग के पीछे बहुत सारी झुग्गियां हैं, उन झुग्गियों में भी आग फैल गई. करीब 100 झुग्गियां जो है वो जल गई हैं और सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो बेघर हो गए हैं. तो अभी फिलहाल कुछ देर पहले जो फायर डिपार्टमेंट की टीमें हैं उन्होंने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन कूलिंग प्रोसेस जो होता है वो जारी है. करीब 30 फायर टेंडर वहां पर मौजूद हैं. सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इसमें कोई भी शख्स इसमें इंजर्ड नहीं हुआ है. 2 लोगों को माइनर इंजरी आई है, लेकिन और कोई इसमें घायल नहीं हुआ है. आग किस वजह से लगी अभी ये साफ नहीं, इसकी जांच की जा रही है. लेकिन बड़े पैमाने पर जो फर्नीचर का सामान होता है वो जलकर राख हो गया है, लाखों का नुकसान हुआ है. लेकिन राहत की बात इसमें ये रही है कि कोई भी इसमें घायल नहीं हुआ है. हालांकि सैकड़ों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं, क्योंकि 100 से ज्यादा झुग्गियां जो है वो जलकर राख हो गई हैं. मुकेश, जैसे आपने कहा कि कई सारी शॉप्स जो हैं वहां पे जलकर राख हो गई हैं, तो एक्सटेंट क्या है इस डैमेज का और कोई रीजन बता पा रही है वहां की अथॉरिटीज? देखिए, अभी तक ये साफ नहीं है कि आखिर ये आग लगी क्यों. हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट से लगी हो, लेकिन जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका कहना ये है कि जांच के बाद ही साफ होगा कि आखिर आग की वजह क्या है. क्योंकि सबसे पहले आग जो है वो 4 मंजिला इमारत में लगी, जिसमें 4 मंजिल जलकर राख हो गई. उसमें सारा फर्नीचर रखा हुआ था, अलग अलग लोगों के गोडाउन थे. उसके बाद क्योंकि हवा काफी तेज थी, तो जो पीछे झुग्गियां हैं वो उन झुग्गियों में भी आग लग गई. करीब 100 झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं और काफी सारे लोग जो है वो बेघर हो गए हैं. तो अभी जब बिल्डिंग का पूरा कूलिंग प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद आग लगने की वजहों की जाँच की जाएगी. लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि आखिर आग क्यों लगी. तो कुल मिलाकर अभी जो कूलिंग प्रोसेस है वो चल रहा है और करीब 30 फायर टेंडर मौके पर हैं. जी,